सूरज बरजातिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत किस प्रकार से की थी, बड़े पर्दे के दबंग खान की कौन कौन सी फिल्में हैं जो आज तक रिलीज नहीं हो सकी हैं, वो कौन कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्रियां हैं जिनके गॉड फादर सलमान खान कहे जाते हैं, मैंने प्यार किया का सिक्वल कब रिलीज हो सकता है, आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया के दूसरे पार्ट की कहानी भी परिवार पर बेस होगी, क्योंकि सलमान खान ने अभी तक ज्यादातर परिवार के इमोशन पर बेस फिल्में करते आए हैं। उनकी सभी फिल्मों को परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है। सलमान ने अपनी फिल्मों के माध्यम से हमेशा परिवार के महत्व को दिखाने की पूरी कोशिश की, इसीलिए सलमान खान को भाई जान कहा जाता है। इस फिल्म में परिवार के उस पड़ाव की बात की जाएगी जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते। परिवार की बुनियाद रिश्तों पर निर्भर करती है, इन्हीं रिश्तों में जो मिठास होती है उसी पर परिवार का भविष्य निर्भर करता है। लेकिन फिल्म सिर्फ परिवार पर ही केंद्रित ना होकर प्रेम की प्रकाष्ठा को उजागर करेगी। आजकल का मल्टीमीडिया वाला प्यार दिखाया जाएगा इसमें। ये मल्टीमीडिया लव कैसा हो सकता है, ये तो फिल्म जब बनकर रिलीज होगी तभी पता चलेगा। मैंने प्यार किया 2 को दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से क्यों जोड़ा जा रहा? DDLG से मैंने प्यार किया 2 को इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि DDLG ही पहली फिल्म है जिसने हमारे देश की फिल्मों को इंटरनेशनल मार्केट में एक मुकाम पर बैठा दिया है। 22 सालों से मराठा मंदिर में चल रही है DDLG। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित DDLG 1995 में रिलीज हुई और तभी से इस फिल्म का मैटनी शो यहाँ चलाया जाता है और जिसमें खासी भीड़ होती है। DDLG फिल्म में शाहरुख और काजोल का रोमांटिक गाना हो गया है तुझको तो प्यार सजना किसी रेगिस्तान में शूट किया जाता तो शायद आप राज और सिमरन की जोड़ी के इस कदर दीवाने न होते। DDLG एक रिकॉर्ड तोड़ और ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसने कई कलाकारों को एक नई पहचान दी है। ये वही फिल्म है जिसने शाहरुख खान को एक सुपरस्टार की ओर एक रास्ता दिखाया था। आज भी DDLG और मैंने प्यार किया फिल्म किसी टीवी पर आती है तो लोग देखने के लिए बैठ जाते हैं। DDLG अपने लोकेशन के कारण जानी जाती है, तभी तो कुछ लड़कियां तो अपने पार्टनर के साथ स्विट्जरलैंड सिर्फ इसलिए जाना चाहती हैं क्योंकि DDLG की शूटिंग की जगह पर राज सिमरन की तरह फोटो क्लिक कराने का क्रेज होता है। तुझे देखा तो जाना सनम जिन पीली सरसों के खेतों में शूट किया गया था वो सरसों गुड़गांव में है। शाहरुख ने जो लेदर की जैकेट पहनी है वो $400 की हॉरर डेविंसर शोरूम से ली गई थी जिसे कैलिफोर्निया के बेकर्स फील्ड से खरीदा गया था। वो शोरूम कैलिफोर्निया के बेकर्स फील्ड में स्थित है। सुपरस्टार सलमान खान को शाहरुख खान की फिल्म DDLG बहुत पसंद आई थी, लिहाजा जब पूरी बॉलीवुड नगरी कह रही थी कि ये फिल्म शाहरुख के करियर को खत्म कर देगी, तब सलमान ने कहा था DDLG इतिहास रचेगी। सलमान ने DDLG देखकर कहा था कि ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित होगी और ये मैंने प्यार किया से भी ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। सलमान का कहा सच साबित हुआ और DDLG ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और भारतीय सिनेमा के 1000 हफ्ते पूरे करने वाली इकलौती फिल्म बन गई। शाहरुख ने बताया कि DDLG से पहले वो डर और बाजीगर जैसी फिल्में कर चुके थे जिसके बाद उनकी छवि निगेटिव हीरो वाली बन गई, लिहाजा जब आदित्य चोपड़ा ने उन्हें DDLG की कहानी सुनाई तो शाहरुख खुद भी इसके लिए राजी नहीं हुए थे। मैंने प्यार किया 2 DDLG का रिकॉर्ड किस प्रकार से तोड़ देगी? DDLG अब सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि इतिहास है, लेकिन सलमान खान अब सिर्फ एक अभिनेता नहीं है बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री बन गए हैं। आज के दौर में सलमान खान की जो बॉक्स ऑफिस पर पकड़ है वो किसी दूसरे सुपरस्टार में दिखाई नहीं देती, इसीलिए तो सलमान खान को आने वाले समय का राजेश खन्ना कहा जाता है। अगर मैंने प्यार किया 2 बनता है तो निश्चित रूप से एक बार फिर से इतिहास लिखा जाएगा और ये उम्मीद सभी को है क्योंकि सलमान के स्टारडम के सामने अभी तो कोई और एक्टर दूर तक दिखाई नहीं देता है। लोगों का मानना है कि सलमान की ये पहली फिल्म होगी जो 2000 करोड़ के क्लब को भी पार कर जाएगी। आजकल सलमान खान के लिए 2000 करोड़ का क्लब छूना बहुत ही आसान है। मैंने प्यार किया फिल्म की कहानी बहुत खूबसूरत है, इसीलिए लोग इसके सिक्वल की बात कर रहे हैं, चाहे वो राजश्री प्रोडक्शन वाले हों या सलमान खान। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान आज भले ही बड़े पर्दे के दबंग खान हो, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1998 में आई फिल्म बीवी हो तो ऐसी से बतौर सपोर्टिंग एक्टर से की थी। अपने इतने सालों के फिल्मी सफर में सलमान ने बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी कई फिल्में ऐसी हैं जो बड़े पर्दे पर धमाल मचा सकती थी, लेकिन उनमें से कुछ फिल्में तो रिलीज भी नहीं हो पाई। आइए जानते हैं उनकी ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में जो रिलीज नहीं हो पाई। आंख मिचौली डायरेक्टर डेविड धवन की फिल्म जुड़वा 2 के बाद अनीस बज्मी सलमान खान को लेकर एक और डबल रोल वाली कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे। अनीस ने सुपरस्टार सलमान खान के साथ काम करने के लिए
सात साल लंबा इंतजार किया, लेकिन उनका ये सपना पूरा हो न सका। राजू राजा राम 2007 में आई फिल्म पार्टनर के बाद डेविड धवन सलमान खान और गोविंदा को लेकर राजू राजा राम नाम की फिल्म बनाना चाहते थे और उनके साथ जैकी श्रॉफ भी जुड़ने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म पर्दे पर ना आ सकी। चोरी मेरा नाम सलमान खान की ये बड़े बजट की क्राइम थ्रिलर फिल्म काफी चर्चाओं में रही थी। इस फिल्म में सलमान खान के साथ सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी और काजोल नजर आने वाली थी। अगर ये चारों एक्टर एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर आते तो जरूर पर्दे पर छा जाते, लेकिन ये फिल्म भी नहीं बन पाई। राम सलमान खान के साथ उनके भाई सुहेल खान ने कई फिल्में प्यार किया तो डरना क्या, हेलो ब्रदर डायरेक्ट कर चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के बाद एक बार फिर सलमान खान और अरबाज खान फिल्म ए मेरे दोस्त में साथ नजर आने वाले, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस दिव्या भारती और करिश्मा कपूर लीड रोल में नजर आने वाली थी। घेराव राजकुमार संतोषी के साथ काम करने से पहले सलमान खान ने दो बॉलीवुड फिल्में साइन की, लेकिन मुहूर्त के तुरंत बाद शूटिंग के फर्स्ट शेड्यूल से पहले ही सलमान खान की फिल्म घेराव का डब्बा पैक हो गया। बुलंद इस फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग खत्म होने के बाद भारी नुकसान होने की आशंका के चलते डायरेक्टर ने इसे बंद कर दिया। इस फिल्म में सलमान की रियल गर्लफ्रेंड सोमी अली लीड हीरोइन का किरदार निभाने वाली थी। इस समय इन दोनों के अफेयर के बारे में कोई बात नहीं करता। बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान ने इस इंडस्ट्री में कई लोगों को सपोर्ट किया है। सलमान ने कई सितारों के डूबते करियर को बचाया है, वहीं कई लोगों को बॉलीवुड में सलमान खान ने जगह दिलाई है। इनमें से कई बड़ी अभिनेत्रियों के नाम शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बारे में जिनका करियर सलमान खान की वजह से संवरा है, या फिर हम सलमान को उनका गॉडफादर भी कह सकते हैं। सलमान और कैटरीना कैफ की कहानी तो बॉलीवुड में काफी फेमस है। कैटरीना ने वैसे तो बॉलीवुड में काफी फिल्में की हैं, लेकिन उनको अपने करियर का सबसे बड़ा पहला ब्रेक सलमान खान ने ही दिया। सलमान ने कैटरीना को वर्ष 2005 में आई फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में लिया था। इसके बाद भी सलमान ने कैटरीना को कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में काम दिलाया। एक समय कैटरीना सलमान से दूर हो गई और कैटरीना की फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गई। जब कैटरीना वापस सलमान के पास लौटी तो सलमान ने फिर से उनका करियर संवारने में मदद और उन्हें फिल्म टाइगर जिंदा में लीड रोल दिलाया और कैटरीना फिर सुर्खियों में आ गई। ऐश्वर्या राय सलमान और ऐश्वर्या के प्यार किस्से बॉलीवुड में काफी मशहूर। ऐश्वर्या को फिल्म हम दिल दे चुके सनम से पहचान मिली। इस फिल्म में ऐश्वर्या को सलमान के कहने से ही लिया गया था। इसके अलावा भी सलमान ने ऐश्वर्या को कई बड़ी फिल्में दिलाकर उनका करियर संवारने में मदद की। डेजी शाह सभी जानते हैं कि अभिनेत्री बनने से पहले डेजी शाह एक डांसर थी। सलमान ने डेजी शाह को बॉलीवुड डेब्यू में मदद की और उन्हें अपनी फिल्म जय हो में लीड रोल दिया। इसके अलावा डेजी शाह ने साल 2003 में आई तेरे नाम के दौरान सलमान खान के साथ काम किया है। बता दें कि इस फिल्म में डेजी शाह लगन लगी गाने पर डांस किया था। इसके अलावा डेजी शाह ने फिल्म हेट स्टोरी 3 में सलमान खान के कहने पर भी की थी। अब वो सलमान खान की रेस 3 में भी है। जरीन खान अभिनेत्री जरीन खान को भी बॉलीवुड में जगह दिलाने का श्रेय सलमान खान को ही जाता है। सभी जानते हैं कि जरीन ने अपने करियर की शुरुआत सलमान की फिल्म वीर से की थी। बाद में जरीन ने हाउसफुल 2 की और इनके करियर में थोड़ी गति आई। डेजी की तरह ही जरीन ने भी फिल्म हेट स्टोरी 3 सलमान के कहने पर की थी। जैकलिन फर्नांडिस जैकलिन के डूबते करियर को भी सलमान ने ही संवारा है। जैकलिन ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म मर्डर 2 से की थी। 2013 में फिल्म रेस 2 के बाद जैकलिन का करियर डूब रहा था। इंडस्ट्री में उन्हें काम मिलना कम हो गया। खुद जैकलिन कह चुकी हैं कि वो बहुत ही कठोर समय था। काफी कोशिश करने के बाद भी जब काम नहीं मिला तो ऐसे में सलमान ने उनका हाथ थामा और अपनी फिल्म किक में जैकलिन को काम दिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई और जैकलिन का डगमगाते करियर ने फिर से गति पकड़ ली और अब जैकलिन रेस 3 की लीड हीरोइन है। सोनाक्षी सिन्हा सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपने अभिनय की शुरुआत सलमान खान के साथ दबंग से की थी। सलमान के साथ काम करने के बाद सोनाक्षी को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। सोनाक्षी ने दबंग 2 में भी काम किया है। सलमान के कहने पर सोनाक्षी को कई फिल्में मिली। अब सोनाक्षी दबंग 3 में भी नजर आएंगी। बॉलीवुड के गलियारों में सलमान खान और ऐश्वर्या के रोमांस के किस्से काफी चर्चित। सलमान खान भी ऐश्वर्या को लेकर काफी सीरियस, दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान दोनों के बीच दूरियां हो गई। इसके बाद दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई कि अब ये एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे की तरफ ढंग से देखते भी नहीं। लेकिन ऐसा क्या हो गया था जो इतना प्यार होते हुए भी दोनों के बीच दूरियां हो गई। मीडिया में इस तरह की खबरें आई हैं कि ऐश्वर्या ने सलमान के लिए अपने माता पिता का घर तक छोड़ दिया। बताया जाता है कि सलमान के स्वभाव
स्वभाव के कारण ऐश्वर्या ने उनसे दूरी बना ली। वर्ष 2002 में दोनों के बीच की लड़ाई खुलकर सामने आई और दोनों ने एक दूसरे पर खुलकर इल्जाम लगाए। बताया जाता है कि सलमान और ऐश्वर्या के बीच नजदीकियां फिल्म हम दिल के सनम के दौरान बढ़ी। यहां तक कि दोनों की शादी की खबरें भी सामने आने लगी। भाग्यश्री ने अपनी डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया से इतनी शोहरत बटोरी कि आज भी बॉलीवुड में उनका जिक्र होता है। इस फिल्म में वह आज के सुपरस्टार सलमान खान के साथ नजर आई। फिल्म मैंने प्यार किया में भाग्यश्री के अभिनय को खूब सराहा गया। भाग्यश्री 23 फरवरी 1969 को जन्मी थी। वे रॉयल मराठी परिवार से हैं। भाग्यश्री का पूरा नाम है भाग्यश्री पटवर्धन। हिट फिल्म मैंने प्यार किया के लिए भाग्यश्री को 1,00,000 रुपए फीस मिली, जबकि सलमान खान को सिर्फ 30,000 रुपए दिए गए। फिल्म मैंने प्यार किया के शूटिंग के वक्त भाग्यश्री की उम्र 18 साल की। फिल्म के लिए जब भाग्यश्री को साइन किया गया तब सलमान खान ने सूरज बरजातिया को कहा था कि भाग्यश्री मेरी बहन जैसी नजर आती है, लेकिन सूरज ने कहा नहीं, इस रोल के लिए भाग्यश्री बिल्कुल सही है। भाग्यश्री वकील बनना चाहती थी, लेकिन भारत में लॉ सिस्टम से निराश होकर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और उनके पिता भी नहीं चाहते थे कि वो लॉ की पढ़ाई करे। भाग्यश्री ने अपने पति हिमालय के साथ करीब 3 फिल्में की है। कैद में है बुलबुल, त्यागी और पायल में काम किया, लेकिन ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। शादी के बाद उन्होंने सिर्फ 3 फिल्में की और करियर को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर सूरज बरजातिया ने इंडस्ट्री को कई सुपरहिट पारिवारिक फिल्में दी है। सूरज बरजातिया ही वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने सलमान खान को सुपरस्टार बना दिया। सलमान खान ने मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों का निर्देशन सूरज बरजातिया ने किया। साथ ही सलमान ने प्रेम रतन धन पायो में भी काम किया। ये फिल्म भी सुपरहिट रही। ये फिल्म भी राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है। राजश्री प्रोडक्शन को पारिवारिक फिल्मों के लिए जाना जाता है। सूरज बरजातिया का जन्म 22 फरवरी 1964 को मुंबई में हुआ था। सूरज ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म सारान से असिस्टेंट के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों का निर्देशन किया। सलमान खान को सही मायने में सूरज बरजातिया ने ही इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। सलमान खान फिल्म मैंने प्यार किया से काफी फेमस हो गए थे। इसके बाद सलमान ने हम आपके हैं कौन से इंडस्ट्री में एक नया मुकाम पाया। इन फिल्मों का निर्देशन सूरज बरजातिया ने ही किया। इन फिल्मों से ही सलमान खान को एक रोमांटिक हीरो के रूप में देखा जाने लगा। एक इंटरव्यू में सूरज बरजातिया ने अपने बचपन के एक किस्से का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि वे शुरुआत में पढ़ाई में कमजोर थे और जैसे तैसे पास हो जाया करते थे। उन्होंने बताया था जब वो 10वीं कक्षा में थे तो उनके बहुत कम नंबर आए। उनके पिता को एडमिशन के लिए एचआर कॉलेज में साथ जाना पड़ा। इस दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल ने सूरज बरजातिया के पिता को काफी खरी खोटी सुनाई। सूरज बरजातिया के पिता ये सब चुपचाप सुनते रहे। पिता के बेइज्जती देखने के बाद उन्होंने आगे मन से पढ़ाई की और हमेशा फर्स्ट आए। मैंने प्यार किया के सिक्वल का बजट करीब 300 करोड़ हो सकता है, जिसकी सिर्फ अफवाहें हैं। अभी कोई ऑफिशियल सूचना जारी नहीं की गई है। भारत फिल्म के बाद इस फिल्म पर काम करने की अफवाहें आ रही, क्योंकि राजश्री प्रोडक्शन को भी एक जबरदस्त सुपरहिट फिल्म की तलाश है। इस फिल्म की लीड हीरोइन के लिए भाग्यश्री की बेटी जो कि बड़ी हो गई है आजकल सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। उनके बारे में खबरें आ रही हैं। नहीं तो शायद जानवी कपूर को भी साइन किया जा सकता है, जो कि सलमान खान की काफी करीबी बताई जाती है। इस फिल्म की कहानी आज के दौर की होगी। इस फिल्म की शूटिंग सिर्फ भारत में होगी, जैसा कि अक्सर इस प्रोडक्शन की फिल्मों का होता है। बहुत कम फिल्में हैं जो विदेश में शूट की गई। राजश्री प्रोडक्शन की ज्यादातर फिल्में भारत में ही शूट होती हैं। भाग्यश्री आजकल विदेशों में डांस एकेडमी चला रही है और वो काफी फिट दिखती है और सोशल मीडिया पर उनकी अक्सर तस्वीरें आया करती हैं। इस फिल्म का सिक्वल 2020 में आने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि मैंने प्यार किया का सिक्वल बनना चाहिए कि नहीं।